दोस्तों, ये एक महंगा पंखा हम खरीद के लेके आए थे। ये चाइना की देन है, देख रहे हैं। ये एक दिन के अंदर इसके प्राण हर लिए हैं हमने और ये ख़राब हो चुका है। देखते हैं, और उसको खोल के इसको रिपेयर करते हैं। देखते हैं ये दोबारा से मेरी एयर कूलर पानी फेंकता है कि नहीं। तो इस मिनी एयर कूलर को हमने खोल लिया है। आप देख रहे हैं चाइना ने किस तरीके का कमाल किया हुआ है इसके अंदर। ये जो है इसका ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर गर्म हो रहे हैं और ख़राब हो चुके हैं। ये छोटे से कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट ख़राब हो चुका है। अब हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको है ना फैन को ऑपरेट कर देंगे हम। तो आप देख रहे हैं 5 वोल्ट का पंखा है और 10 वाट इसमें पावर जाती है। ये रेड वायर जो है यहाँ पे 5 वोल्ट जानी चाहिए, ब्लैक वायर हमारी अर्थ की है। ये पंखे को हम ऑपरेट कर देंगे क्योंकि हमारे पास वो कंपोनेंट ना होने की वजह से हम सिर्फ इसके कूलर वाले पार्ट का जो पानी फेंक रहा है उसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ चार्जर की सहायता से हमारा ये पंखा ही ऑपरेट होगा। आप देख रहे हैं ये चार्जर लगा हुआ है और ये हमारे जैक में हमने लगा रखा है जो पंखे में था। हम इसको लगाते हैं, अब ये कनेक्ट करेंगे। Thank you.
दोस्तों हम अपने सभी व्यूअर्स से निवेदन करते हैं, चाइना का सामान ना खरीदें, क्योंकि चाइना के सामान के लिए कहावत है, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। तो मेक इन इंडिया की तरफ अग्रसर रहें और इंडियन सामान को ख़रीदें, क्योंकि चाइना तो चाइना ही है, एक दिन क्या ये 10 मिनट काट दें वो ही बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें और चाइना को अवॉइड करें।